साइबर अपराधों के प्रति जनता को सजग व सचेत रहने की अपील साइबर पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। ऐसे में साइबर ठगी नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। कभी अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताकर तो कभी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो से छेड़छाड़ कर रिश्तेदार बताकर पैसे आदि की डिमांड की जा रही है। वहीं सेक्स टॉर्चर के माध्यम से भी लोगों को डरा धमकाकर व वीडियो रिकॉर्ड कर पैसे की मांग की जा रही है, जिससे बचने की लगातार अपील साइबर थाने की पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया, अपना प्रोफाइल चेंज करके मतलब अपने आप को कुछ और बता के, कभी क्राइम ब्रांच में बता के, कभी अपने आप को जिसको कॉल करते हैं उसका रिश्तेदार बता करके और उनसे पैसों की मांग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे उसकी आईडी हैक कर ली, जैसे पहले होता था। अभी क्या करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो उनके रिश्तेदार की आवाज़ बना करके उसमें बात करते हैं और इस तरह से जो सामने वाला है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करना कि ये रिश्तेदार बोल रहा है या कोई अन्य व्यक्ति बोल रहा है। तो ऐसे मामलों में मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि यदि आपके पास ऐसा कोई कॉल आए जिसमें आपके रिश्तेदार की आवाज़ हो और आपसे पैसे की डिमांड की जाए तो आप थोड़ा सतर्क रहें और जो रिश्तेदार का आपके पास नंबर है उस पर कॉल करके एक बार उसको वेरीफाई कर लें कि उसी रिश्तेदार ने आपसे पैसे मांगे हैं, क्या उसको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा ये जैसे एक सेक्सटॉर्शन का मामला है जिसमें कोई वीडियो कॉल करता है आपको और उधर से आप भी आपकी भी जो एक्टिविटी आप करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके एवज में आपसे पैसे मांगते हैं उसको वायरल करने की धमकी देकर के। एक ऐसा भी कुछ प्रकरण आए हैं जिसमें इस तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, उधर से वो कोई पॉर्न वीडियो प्ले करते हैं और इधर से आपकी जो एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड कर ली जाती है। उसके बाद आपको कॉल किया जाता है कि जो लड़की थी वीडियो में उसका वीडियो वायरल हो गया है और उसने सुसाइड कर लिया है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरह की तस्वीर वो आपके प्रेषित करते हैं कि आपको वाकई में लगता है कि वो लड़की ने सुसाइड कर लिया है और फिर उस मामले को मैनेज करने के लिए वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं और क्योंकि ये मामला थोड़ा सा गंभीर होता है इससे ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल आए आप तत्काल इसके क्राइम ऑफिस साइबर सेल या साइबर थाने को कॉन्टैक्ट करिए, हम लोग आपकी सहायता करेंगे और जितनी जल्दी आप हमारे पास आएंगे उतनी जल्दी हम केस को क्रैक कर पाएंगे और जो भी आपको धमकी दे रहा है या परेशान कर रहा है उस तक पहुंच पाएंगे।